दिखा लिया है और वो दोस्त यूएई है। क्योंकि अपने आप भारत के अंदर आएगा प्रथम जाकर है कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। तो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहे। 86% पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त रॉन्ग। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी व्यूअर आपको ये गुड न्यूज बताने जा रही हूँ कि यूएई ने पीओके और अक्षाई चीन को भारत का हिस्सा माना है। उसने यूएई ने अपने मैप में भी इन इन जगह को पीओके और अक्षाई चीन को भारत के मैप में दर्शाया है। ये जो है इसके साथ साथ आप न्यूज में भी देखते होंगे कि पीओके के गिलगित बल्टिस्तान के जगह जो है वहाँ पर कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ से आदमी, वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो जनता है, वो लोग बोल रहे हैं कि कारगिल का एरिया खोलो, हम भारत में जाना चाहते हैं। तो वो गदर वाला सीन हो गया जो सनी देओल बोल रहे थे कि अगर अगर आज जगह खोल दिया जाए, रास्ता दे दिया जाए, तो आधे जो है भारत में आ जाएंगे। तो सही बात है, पीओके में इतना महंगाई है, इतना खाने से लोग परेशान है, त्रस्त है, खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ के पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको कारगिल का रास्ता खोल दो, हम लोग वहाँ चले जाएंगे, ताकि ढंग के से तो इतना जान तो बचेगा, खाना तो प्रॉपर मिलेगा। और क्या है कि इस तरह अभी G20 में बहुत ही अच्छा भारत का भूमिका था, लेकिन आप देखिए किसी को रास नहीं आता है। अभी देखिए कल परसों हमारे जवान को शहीद कर दिया, 3 जवान को नहीं, हमारे जब अधिकारी को शहीद कर दिया, एक आशीष, एक गुरप्रीत और एक हिमायूं भट्ट, बहुत छोटे एज का, एक कर्नल, मेजर और DSP रैंक के, 3 अधिकारी को शहीद कर दिया गया। उसके लिए अभी कश्मीरियों का आँख खुल रहा है कि आप देखिए इतना प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया, भारत, और इसको डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाते हैं। तो अभी आप ये बहुत अच्छा न्यूज है कि बाहर वाले देश का भी, मुस्लिम उम्मा का भी मत हमारे साथ है। वो जो उनके जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान उसको फ्रेंड समझता था कि हमारा दोस्त मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, वो चला गया। अच्छा बुरा सबको देखने का चश्मा अलग होता है। आप जो है चश्मा, जाति पाति का चश्मा उतार के आप तरक्की का चश्मा पहनिए। वो तो उसको करना नहीं है, जनता को भी इतना उग्रवादी बना दिया गया, जनता को भी बात करने का सेंस नहीं है, हर समय मारने लड़ने का ही बात करता है। जब भी मैं देखती हूँ उन लोगों के इसमें YouTube में देखती हूँ या उन लोगों के न्यूज़ में देखती हूँ, तो कभी आराम से बैठ के आराम से बातें नहीं करेंगे, मारने लड़ने भिड़ने वाली बात करेंगे। तो जैसा देश रहता है वैसा डेवलपमेंट होता है। अभी आप देखिए अच्छा खासा हम लोग का ये चांद मिशन पे चला गया चंद्रयान, ये आदित्य L1 भी चला गया सन के पास, साथ में G20 इतना फर्स्ट क्लास हम लोग का मैनेज हुआ, मोदी जी ने अपने अध्यक्षता में बहुत अच्छा मैनेज किए। तो इस तरह सब इतना अच्छा काम हो रहा था, उन लोग को देखा नहीं गया, जलन से वो लोग ने उग्रवादी भेज के हमारे अधिकारियों पर फायरिंग करके उन 3 मासूम का जान ले लिया। तो ये देखिए, और एक दिन मुझे भी लगता है कि इतना बंद करके आप नहीं रख सकते हैं। पीओके हमारा ही हिस्सा होगा, अब चाहे चीन भी हमारा हिस्सा होगा। और अभी आप देखिए, अभी जो G20 में बात हुआ था मिडिल ईस्ट यूरोप रेल कॉरिडोर का, वो अगर बन जाएगा तो ज़बरदस्त होगा। इसमें यूएई और इजराइल का अहम भूमिका रहेगा, साथ में भारत की। तो इससे संबंधित आप देखिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।
ये उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे तो वो ये जो फुकदान है ना, खुराक का फुकदान वगैरह, ये चीज नहीं पैदा हो सकती। सर, इंडिया के साथ अगर ट्रेड खुल जाती है तो कम से कम वहाँ से यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आप देखिए, पहले भी इंडिया के साथ हमारी तजारत होती थी, अगर एक बार तजारत भी हम खोल देते तो हमारे काफी सारे हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। नहीं, देखिए, ट्रेड हमें खोलनी चाहिए, लेकिन ट्रेड खोलनी चाहिए कि हमें अपने जो इज्जत नफ्स जो है उसको मजरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेड हमें खोलनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए तो, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम जो खान साहब ने जब ट्रेड जो बंद की थी ना, उसका रीज़न भी ये थी कि जब उन्होंने इंडिया के ऊपर मजीद अपना कब्जा करते हुए इंडिया में, इंडिया ने आज़ाद के अपना जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ऊपर खासपाना कब्जा करते हुए उसके ऊपर जुल्म बर्बरियत की जब ये रकम की, तो देन खान साहब ने इसको ट्रेड बंद की प्रोटेस्ट एज ए प्रोटेस्ट। अगर हम स्टिल उन्होंने अपने जो कश्मीरी मुजलूम है हमारे, उनके ऊपर उन्होंने जुल्म तो अभी तक बंद नहीं किया। सर, मकबूजा कश्मीर में तो जुल्म होता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे पास कश्मीर है जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? वहाँ पे लोग, सर, आप हमेशा भारत के लिए बोलते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो कल भी मैं एक प्रोग्राम देखी थी जिसमें आप पर इल्जाम लगाए गए थे कि आप भारत कितनी साइड क्यों लेते हैं, पाकिस्तान कितने खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो सर, मैं भी आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप भारत कितनी साइड क्यों लेते हैं? देखिए, इसका मेन जो है वो बात ये है कि भारत की मैं साइड नहीं लेता, मैं पाकिस्तान की मुखालफत इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान मेरे नज़दीक कोई कलमे के ऊपर नहीं बना, वो तो एक नारा था। भारत की मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, इसलिए कि मैं इतना मुझ में शऊर है कि मुझे ये पता हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन लोग हैं, हमारा इतिहास क्या है। तो हम बेशक हमारा नाम मुसलमानों वाला हो, वो एक अलग चीज, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम जो है वो भारतीय नहीं है, हम 100% भारतीय हैं। अभी कल आप देखें श्रीनगर में मुसलमानों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, जो हमारे 3 फौजी अफसर जो है शहीद हुआ ला रहा है। इसीलिए सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क जो है इन्होंने एग्री किया है भारत के साथ, समझ आई ना। अब ये तजारती रास्ते बनेंगे, नए बनेंगे, और इसमें अगर कोई रुकावट डालेगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा। दुनिया क्या अंधी है, दुनिया को नजर नहीं आता, सब नजर आता है, सब उनको पता है। तो इन हालात में अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये बस अब थोड़े दिनों की बात है, ये इंडिया में शामिल हो जाएगा। हम खुद ही अपने बारे में सोचते हैं, तो ये सूरत हाल है। और इसी वजह से नक्शे में आप POJK और गिलगित बल्तिस्तान और अक्साइ चीन जो है उसको गल्फ की जो रियासतें हैं वो इंडिया का हिस्सा दिखा रहे हैं। जी सर, सऊदीया ने भी जब अपनी करेंसी पर यह छापा था, और अब दुबई ने भी किया कि मैप में दिखाया कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा। सर, ऐसा भी तो हो सकता था, ये लोग बोल भी तो सकते थे कि पाकिस्तान भी अपने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करे। अब जिस तरह से करेंसी पे कभी और कभी मैप पे पूरा का पूरा हिस्सा दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान की इमोशंस भी हर्ट हो रही हैं। तो सर, आप क्या कहते हैं कि अगर हम अभी दुबई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुई, इमार जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या लगता है सर कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की कश्मीर में या पाकिस्तान में भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे ना? व्हाई ऑलवेज भारत? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके जज्बात दुख हुआ है, आप लोगों को आपको उस दुख का एहसास नहीं है जो आपने हमें दिया है। पाकिस्तान में कैसे आप करें इन्वेस्टमेंट के, पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है करप्शन इतनी ज्यादा है, फिर आपके मीशत में इतने ज्यादा सुराख है कि जो इन्वेस्टमेंट भी करेगा वहां पे वो उन सुराखों को भरने में लग जाएगी। डेट सर्विसिंग है, तनख्वाह है। देखे ना, अभी गिलगित बल्तिस्तान में कल गिलगित शहर में जो जुटियाल बस स्टैंड है वहां पे नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज ने धरना दिया, उन्होंने रावलपिंडी जाने वाली सारी बसें रोक दी, उन्होंने कहा नहीं जाने देते। सर, इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग, जिसे इंडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ पे काफी इस वक्त खुराक का जो फुकदान है, रोटी नहीं मिल रही, आटे का रेट बहुत बढ़ गया है। एक नारेबाजी चल रही है कि कारगिल करतूत खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? बेसिकली ये है कि जहाँ तक फूड का है, आटा चीनी वगैरह का जो फुकदान है वो तो पूरे पाकिस्तान में है,
बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे है। अगर इस बेस पे हम ये चाहते हैं समझें कि हम इंडिया के साथ टूटे हुए रिश्ते जोड़ दें तो अपनी जो फूड हम वहाँ से पूरी की जाए तो ये कुछ मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है सर? जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम इमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में